god! Ye kiske yapar? तारा होश में हो? तारा 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 आंखें खोल बेटा। भाई साहब तारा होश में आओ। भाई साहब ये पानी। तारा आप बेफिक्र रहिए ब्रजेश जी, हम इस औरत को कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे, आपको अपना बच्चा वापस मिल जाएगा। थैंक यू कमिश्नर साहब। इस फोटोग्राफ और कैसेट के आधार पर सर्च शुरू कर दो। आई वांट रिजल्ट जितनी जल्दी हो सके। यस सर। डोंट वरी ब्रजेश जी, इतना बड़ा धोखा करने के बाद उर्वशी आजाद नहीं घूम सकती, हम जल्द ही उन तक पहुंच जाएंगे। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि उनके पास वो मासूम बच्चा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू। ये क्या कर रही थी? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम इन चक्रों में पड़ी हुई हो। मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला। मुझे इस खानदान का वारिस चाहिए, अपने कुंजन का बेटा। अपने बेटे की शादी तुमसे मैंने इसलिए नहीं की थी कि वो जिंदगी भर किसी और की नाजायज औलाद को पालता रहे। मुझे पोता चाहिए और मेरी इस इच्छा को तुम जितनी जल्दी पूरा कर दोगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना और भी बहुत से तरीके आते हैं मुझे अपनी बात मनवाने के। ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो मुझे? मैं पद्मा ठकुराइन हूँ, पद्मा ठकुराइन। इस तरह आंखें दिखाकर तुम अपने माँ बाप को डराकर चुप करा सकती हो, पर मुझे नहीं। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम जैसी लड़कियों को उनकी औकात दिखाना और काबू में करना मुझे अच्छी तरह से आता है। आगे से जब भी मैं बात करूं ना तो सर झुका कर सुनना। ये सब मेरे पापों की सजा है, मेरे किए का फल है। मुझे माफ करना मेरे बच्चे, मेरी गलतियों की वजह से तुम्हारा बचपन बर्बाद हो रहा है। माफ करना मुझे। हेलो, कैसी हो शुभ्रा? ठीक हूँ। अचानक पीयूष की याद आ गई तो फोन कर लिया। कैसा है वो? ठीक है दीदी। तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है कि तुम कुछ परेशान हो। मुझे बताओ ना, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, पीयूष बहुत तंग कर रहा है मुझे। इतनी देर से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो ही नहीं रहा। नींद आएगी तो सोएगा ना। अच्छा दीदी, मैं जरा पीयूष को देखाती हूँ। हाँ बाद में बात करते हैं। ठीक है, जब तुम्हें टाइम मिले फोन कर लेना। बाय।
क्या मैं नहीं जानती शुभ्रा कि तुम उस घर में कैसे खुश रह सकती हो? नील जैसे इंसान का प्यार ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती की तुमने, और नील ने भी वापस आने में बहुत देर लगा दी। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती शुभ्रा। तारा बेटी चल कुछ खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। भूख नहीं मामू। ये बोल के मन नहीं है, चल उठ। सिर्फ भूखी प्यासी रहेगी तो सेहत पे असर होगा ना। कुछ खा ले। आजा। पता नहीं मेरे बच्चे ने दूध पिया भी होगा कि नहीं। पता नहीं जीजी, जीजी कैसा बर्ताव कर रही होगी मेरे बच्चे के साथ। मामू, मेरा बच्चा एक ऐसी औरत के पास है जो मुझसे बेहद नफरत करती है। मेरी गलतियों की सजा मेरा बच्चा भुगतेगा बाबा। ऐसा मत सोच तारा, ऐसा नहीं होगा। देख जीजी भी एक औरत है ना। तेरा बच्चा उसने अपनी कोख में पाला था, उसका भी तो अंश है वो बच्चा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। नहीं बाबू, मुझे जीजी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मेरी आंखों में आंसू देखने के लिए जीजी किसी भी हद तक कर सकती। मुझे तो बस मेरा बच्चा दे तो भगवान, मुझे बच्चा दे। धीरज सर। तारा, मैंने तुमसे कहा ना, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है उर्वशी को ढूंढने की। कर रही है तो फिर अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ? टाइम लगता है तारा, हैव सम पेशेंस। मैंने कमिश्नर साहब से पर्सनली बात की, उन्होंने मुझसे कहा है कि उर्वशी की फोटोग्राफ वो पेपर में छपवा रहे हैं, और एक बार अखबार में फोटो छप गई तो छुपना नामुमकिन हो जाता है तारा। पता नहीं कब मेरा बच्चा मेरे पास वापस आएगा। मेरे कानों में मेरे बच्चे की रोने की आवाज गूंज रही है। मेरे बच्चे को कुछ हो गया ब्रजेश तो मैं सच में मर जाऊंगी। जी रही है मर जाऊंगी मैं। नील, यहाँ क्या कर रहा है? नाहर वो देखो, युग कितनी अच्छी धुन बजा रहा है अपने गिटार पर। लेकिन नील, गिटार तो तुम भी काफी अच्छा बजाया करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बजाया करता था, अब शायद भूल गया। मगर ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, म्यूजिक की समझ है इसे। भाई मुझे तो इतनी समझ है नहीं, जो सुनने में अच्छा लगता है वही ठीक है। हाँ, सरोनी अक्सर युग की तारीफ किया करती है, और आज तुम्हारे मुंह से भी सुन लिया। भाई तुम दोनों उस्तादों की बात पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा मुझे। सुनो नाहर, मैंने सुना था कि एक अच्छा कलाकार होने के लिए पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी होता है। मुझे पता नहीं कि ये युग किस टाइप का इंसान है। उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा, कुछ नकली सा लगता है मुझे। हाँ, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि युग एक बेहतरीन म्यूजिशियन है। मगर आई जस्ट होप सो, होप माई फीलिंग्स आर रॉन्ग। युग इतना हार्मफुल और डेंजरस लड़का ना हो जितना मुझे लगता है। लेकिन नील, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे नहीं पता, और मेरे पास कोई रीजन भी नहीं। यू नो, जस्ट गट फीलिंग। पर उस बात को इतनी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर मुझे लोगों के बारे में इतनी समझ होती तो मेरे साथ वो नहीं होता जो कुछ हुआ है। Hey, hi, what's up?
I'm fine, thanks. Seriously बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ. It's a lovely place, यार. घर क्या है? महल है महल. तुम अपनी आंखों से देखोगे ना, तब बिलीव करोगे. You know what? तुम्हें यहाँ होना चाहिए था यार. ऐश है यार, अपनी तो लाइफ सेट है बॉस. I'll call you later, bye. बात है संगीत का, हवा में आज इतनी उदासी क्यों है? तुम्हारे संगीत से खुशी कहां गायब हो गई? युग, क्या हुआ? तानी क्यों? अपने घर की बहुत याद आ रही है मुझे, अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत मिस कर रहा हूं मैं. अचानक महसूस हो रहा है कितने बड़े शहर में तुम अकेला हो. मैं सलोनी जी, तुम अकेले कहाँ हो? हम हैं ना, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे अपने, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा ख्वाब तुम्हारे साथ है, एक बहुत बड़ा संगीतकार बनने का ख्वाब. ऐसे में कोई अकेला कैसे हो सकता है? खाना लगा हुआ है, जल्दी से आ जाओ. मैं गलत नहीं था, योग ऐसा इंसान नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके. लादी, थैंक यू, जा जा. क्या मंगवाया है समर? मनु अभी कुछ भी तो नहीं. अच्छा, ये कुछ नहीं है, देखो तो सही. तारी धवने इमली मंगवाई है, बड़ा ख्याल रख रहा है अपनी बीवी का. ले, खुश रह जीता, जा दिया उसे. कावेरी, 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 ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या ला? क्या? ये देखो, बैठो. मम्मी से सुना करता था कि इन दिनों में खट्टा खाने का बड़ा दिल करता है. तुम्हारा भी करता होगा, लेकिन शायद शर्म के मारे तुम मांगती नहीं होगी, इसलिए वो गट्टू है ना, गट्टू से मैंने मंगवा ली थी. समर, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है. अरे कावेरी, क्यों ना होगा, तुम मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने वाली हो. तुम्हें पता नहीं एक एक दिन कैसे गिन रहा हूं मैं, इस बच्चे के लिए कैसे तड़प रहा हूं मैं. जानता हूं इस घर के सारे लोग भी तड़प रहे हैं, लेकिन हाँ एक बार बता देता हूं, जैसे मेरा बच्चा पैदा होगा ना, सबसे पहले मैं उसे देखूंगा. मैं उसे मेरा मतलब है कि मैं सबसे पहले उसे गोद में लूंगा, बहुत बहुत प्यार करूंगा उसे, बहुत प्यार करूंगा. अरे कावेरी, तुम रो रही हो? हाँ कावेरी, क्यों कावेरी? ओह नो, बैंगन. सलोन जी प्लीज, मुझे बैंगन पसंद नहीं. सॉरी यू, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी सब्जी बना के लाती हूँ. उसकी कोई जरूरत नहीं सलोन, बाकी दो सब्जी और है.
हाँ लेकिन उसमें मसाला और खट्टाई ज्यादा है, युग के गले के लिए ठीक नहीं। भाई मेरा भी ये सब खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरे लिए भी कुछ और बना दो ना। बिल्कुल बना दूंगी, लेकिन पहले युग के लिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि युग को आज अपनों की बहुत याद आ रही है, उसके दोस्तों की याद आ रही है, बिल्कुल अकेला जो है यहाँ, इसलिए पहले युग। युग, क्या तुम्हें वाकई अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है? हाँ बहुत याद आ रही है। एक्सक्यूज मी, मैं भी किचन में जाता हूँ, इस बहाने एक और डिश की रेसिपी सीख लूंगा। ये युग को सिंगर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, इसे तो एक्टर बनना चाहिए। इतनी कन्विंसिंग और रियल परफॉर्मेंस कि कोई भी धोखा खा जाए। वेरी स्मार्ट आई मस्ट से, बहुत पुराना लेकिन आजमाया हुआ तरीका अपना इस बंदे ने। जिसका घर है पहले उसी को ही अपने मुट्ठी में कर लो। सरोनी की सिंपथी पाने के लिए कितने झूठ कितना दिखावा, और सलोनी को तुम जानते हो किसी के आंसू नहीं देख पाती हो। आखिर इस लड़के के मन में है क्या, चाहता क्या है? सलोनी जी, नेक्स्ट टाइम ये डिश मैं बनाऊंगा और आप सब खाकर बताएंगे कैसे बनी है। वही जरूरी काम था। नाहर, काम वाम बाद में कर लेना, पहले खाना खा लेते। मैं चाहता हूँ कि लंच से पहले आप सबको एक सरप्राइज। नाहर, खाना ठंडा हो जाएगा, सरप्राइज के लिए हम इंतजार कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता। आपके साथ बहस में ना कभी मैं जीती हूँ और ना जीत सकती हूँ। बताइए क्या है सरप्राइज? पहले आप चलिए हमारे साथ। कहाँ? बताता हूँ, आइए मेरे साथ। आप दोनों भी आइए, चलो आइए। अरे ये तो बताओ जा कहाँ रहे? तुम बैठो तो सही, इट्स अ सरप्राइज। बैठो बैठो। बताइए ना, हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों? सब कुछ पता चल जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस। नहीं, तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर। ये किसका घर है? तुम बहुत सवाल पूछते हो सलोनी, आओ तो सब पता चल जाएगा। कैसा लगा? ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर है। किसका है? तुमने कुछ नहीं खाया? वाओ मैन, इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। इतना खूबसूरत घर तो लोग शायद सपने में ही देखते होंगे। तो समझ लो तुम्हारा सपना पूरा हो गया। आज से इस घर में तुम रहो। जरूरत की सारी चीजें यहां मौजूद हैं, तुम्हें यहां कोई तकलीफ नहीं होगी।